अस्सलामु अलैकुम। जायका दिल्ली 6 में आज हम बनाने वाले हैं आलू के कबाब। आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रेड क्रम बना रहे थे, हमने सोचा कि आपको भी दिखा दें। ये सबसे नीचे वाले ब्रेड भी है और एक फ्रेश भी है, दो ये हैं। सॉफ्ट ब्रेड ही हैं, आप इसकी जगह सूखे हुए ब्रेड भी ले सकते हैं। तो हम इसका ब्रेड क्रम बना लेते हैं। तो हम इसे ढकना लगा के अभी रख देते हैं साइड। उसके बाद हमारे पास ये थोड़ी सी सब्जियाँ हैं, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे हमारे पास एक बड़े साइज का आलू है। तो ये बाउल है, हम इसको इसमें कद्दूकस कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। आलू कद्दूकस कर लिया है, एक बहुत ही छोटे से साइज की प्याज है, हमने उसे कद्दूकस कर लिया है। ये देखें कितनी महीन है, और इसका पानी कस के निचोड़ दिया है मुट्ठी से दबा के। और दो टेबल के करीब इस वो स्प्रिंग ऑनियन है, ये हमने कट कर ली है, ये हम डाल देते हैं। और दो मुट्ठी हमारे पास ये हरा धनिया है, हमने ये कट कर लिया है। दो टेबल स्पून के करीब ये पत्ता गोभी है, हमने इसको बहुत छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और दो ही टेबल के स्पून गाजर है, उसको भी हमने कद्दूकस किया डाल दिया है। और एक टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये हमारे पास चुकंदर है, इसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। ये इसको देगा बहुत ही बढ़िया सा कलर, और ये हेल्थ के एतबार से तो है बहुत ही बढ़िया, खून बनाने की मशीन समझो। ये थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं चुकंदर आप। अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से सूखे मसाले। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं हम इसके अंदर, 1/4 टीस्पून इसमें हम चाट मसाला डाल देते हैं, 2 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर डाल दिया है। और अब इसमें डाल देते हैं हम ये ब्रेड क्रम जो हमने ये बनाए हैं बिल्कुल अभी। तो हम ये सारे नहीं डालेंगे, 3-4 ब्रेड के बनाए हैं, जितनी हमें बाइंडिंग में ज़रूरत होगी हम उतने ही लेंगे। और इसके अंदर आप देखें हमने ये थोड़ा सा जिस तरीके की हमारी सब्जी है बिल्कुल उसी तरीके का लिया है हमने। ये 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है, 1 चुटकी और डाल दिया है। और इसमें डाल देते हैं हम 1 टेबल स्पून भर के पूरा मैदा, क्योंकि ये बाइंडिंग में सही होनी चाहिए। तो अब हम इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, जो सबसे बढ़िया होगा ये हाथ से। आप इसको आलू के साथ यूं अच्छे से हर चीज को उठा के मिक्स करें और इसको चखें जरूर। और मैदा हमने 2 टेबल स्पून निकाल के रखा हुआ है, ये बाहर जरूरत पड़ी तो हम ये और भी लेंगे, जो ये हमारा रहा थोड़ा सा पतला, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें जरूरत है। बहुत ध्यान रखें, कोई भी चीज आपकी पानी वाली नहीं होनी चाहिए, हर चीज आपकी एकदम से होनी चाहिए खुश्क। ये देखें देखें, ये इस तरीके का थिक होना चाहिए। और इसके अंदर हो सके तो मैदा आप कम से कम डालें, क्योंकि मैदा इतने से टाइम में सीख नहीं पाएगी। हो सके तो आप इसमें ब्रेड क्रम भी डालें, लेकिन हमने ब्रेड क्रम वही डाला है जो आपको दिखाया है। इस तरीके के इसके गोले बना लें और बस इसमें आप कबाब बना लें। बस हम अंदर इसके ये सलाई इसलिए डालेंगे सिर्फ ताकि ये अंदर से सीख पाए बहुत ही अच्छे से। आपके पास ये नहीं है तो आप हमारे गोला कबाब देख सकते हैं, उस तरीके से भी आप अरेंज कर सकते हैं। सीख को हल्का सा हमने पानी से गीला कर लिया है, बस यूँ फैला फैला के दबाना है, फटाफट से ही बन जाएगा। ये बनाने में भी दिल लगेगा, लेकिन हाँ आप एक साथ इसको बना के रख लें और पैन गर्म होने के लिए रख दें इतनी देर में। और ये देखें बिल्कुल क्लीन करके यूँ करके इसको आप ये निकाल लें, इजीली निकल भी जाएगा। और आप इस तरीके से ये सब रख लें। तो ये हमने 2 बना लिए हैं, हम ये सब बना लेते हैं। अभी देखें ये कितने बढ़िया दिख रहे हैं, और खुशबू तो अभी से ही इस डो के अंदर से आ रही है, लाजवाब। तो हम ये सब तैयार कर लेते हैं, दिखाते हैं आपको। ये लास्ट वाला है और ये देखें कितने आराम से ये निकल गया है। हम ये सिर्फ इसमें इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अंदर से नहीं निकले कच्चा और लुक आए एकदम से कबाब वाला। तो बस अब हम इनको सेक लेते हैं। बहुत ही कम ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर, खाली ग्रीस भी कर सकते हैं आप, 1 टेबल स्पून के करीब डाल दें, मीडियम फ्लेम है। और बस अब हम ये पीस इसमें डाल देते हैं, जब डालें ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि इसको देना है हमें कलर। ज़्यादा स्लो फ्लेम हुआ तो ये एकदम से चूई हो जाएगा, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम ये सब डाल देते हैं, सब पीस। 3 से 4 मिनट हो गई हैं इसे मीडियम फ्लेम पर, सबको घुमा घुमा के सेकें, एकदम से इजीली यूँ पलटा जाएगा ये आपका। आलू भी उबला हुआ है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ उसके अलावा भी आपको चाहिए एकदम से क्रिस्प। तो इसको सेकें बढ़िया सा कलर आने तक।
स्लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको ऐसा क्रिस्प सेकने में। हर तरफ से आप इसको यूँ घुमा घुमा के सेकिएगा, हर पीस को ऐसे घुमा घुमा के, जितना अच्छे से घुमा के सेकेंगे उतना ही होगा ये क्रिस्प तैयार। अब ये तैयार है, हम इसको साइड कर देते हैं, बंद कर देते हैं और इसको कर लेते हैं हम डिश आउट, यानी कि इसे निकाल लेते हैं हम सब पीस को इसके अंदर। ये देखें कितने बढ़िया और कितने क्रिस्प ये बन के हुए हैं तैयार। तो हम ये सब निकाल लेते हैं। ये हमारे आलू के कबाब बन के तैयार हैं। ये देखें कितने बढ़िया ये दिख रहे हैं, और जितने बढ़िया दिख रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में है लाजवाब, जायकेदार। तो आप ये आलू के कबाब ज़रूर से ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आलू के कबाब आपको कैसे लगे। तो ज़रूर बनाएं और हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी डिश को लाइक करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। ये चैनल सिर्फ आपका अपना खुद का चैनल है। अल्लाह हाफ़िज़।